नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज, चाहे फिर मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई लैपटॉप कंप्यूटर या फिर कोई भी ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज या कुछ भी सामान आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, चाहे फिर आप वो अमेजोन से करें या फिर दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से करें। अब दोस्तों ये चीज़ समझ नहीं आती, ये इतने भारी भड़कम डिस्काउंट फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले कैसे दे देते हैं, जबकि हम दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार हमें कुछ पैसे ही छोड़ता है। यानी दोस्तों कोई अगर मोबाइल लेने के लिए हम किसी मोबाइल शॉप पर जाते हैं तो वो मुश्किल से 200 रुपये 150 रुपये ही छोड़ता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन वेबसाइट्स कैसे हमें इतना अच्छा खासा डिस्काउंट दे देती हैं, इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन कैसे अपने कस्टमर्स को इतने भारी भड़कम डिस्काउंट दे देती हैं, आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से, और ये कैसे ये सब इतना कुछ मैनेज कर लेती हैं, जबकि हमारा जो दुकानदार है वो हमें अगर 12,000 रुपये का मोबाइल ले रहे हैं तो उस पर 100 रुपये भी मुश्किल से छोड़ता है। दोस्तों चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं आज कि आखिर ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले इतना हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे पाते हैं। दोस्तों दिवाली आ रही है, आप भी बहुत सारे अप्लाइंसेज या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन ज़रूर बाई करेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों कि आखिर ये इतना हैवी डिस्काउंट्स कैसे दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। बेसिकली जहाँ इस इतने बड़े बड़े मार्केट्स में जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं मोबाइल फ़ोन की, वो लोग इतने हैवी डिस्काउंट्स नहीं दे पाते, बल्कि वो 100-200 रुपये ही छोड़ पाते हैं, मतलब बिल्कुल दोस्तों वो 100-200 रुपये ही डिस्काउंट दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को, जबकि उनके कितने भी रिलेटिव कस्टमर्स क्यों ना हो तो भी दोस्तों वो 100-200 से ज़्यादा डिस्काउंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको मार्जिन ही नहीं बचेगा। तो ये दोस्तों ये जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, ये क्यों इतना हैवी डिस्काउंट और कैसे दे देती हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो भी वेबसाइट्स हैं, जो कंपनियां हैं, ये डायरेक्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल बाई करती हैं, जिससे कि दुकानदारों की तुलना में इनको बहुत ही सस्ते पड़ते हैं मोबाइल फ़ोन, यानी कि होलसेल में अपने मोबाइल फ़ोन्स या जो भी गैजेट्स ये उठाते हैं ये सीधा होलसेल में उठाते हैं। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो ये कंपनियां हैं, यानी दोस्तों इनके खुद के स्टोर्स ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, तो दोस्तों अगर खुद ही देना है अगर किसी को ऑफर तो दोस्तों क्यों नहीं दे सकते हैं। अब जैसे मान चलिए सैमसंग है या फिर एप्पल है, इनके खुद के स्टोर चलते हैं अमेजोन पे, तो दोस्तों ये अपने कस्टमर्स को क्यों नहीं दे सकते इतने इतना डिस्काउंट, बिकॉज इनको 10,000 वाली चीज़ इनको 8,000 में पड़ रही है, 10,000 वाला मोबाइल इनको 8,000 रुपये में पड़ रहा है, तो दोस्तों ये बड़े आराम से आपको 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी 9,000 रुपये में आपको इस चीज़ को बेच सकते हैं, फिर भी इनको 1,000 रुपये तक का प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पर एक दुकानदार जिसे मोबाइल पड़ता है 10,000 वाला मोबाइल पड़ता है 9,500 रुपये का, इसलिए दोस्तों उसको सिर्फ बचने होते हैं 500 रुपये। अगर 500 में से अगर वो 100 रुपये भी अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता तो भी उसके पास सिर्फ 400 रुपये बचेंगे। वहीं पर ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाले हैं, इनको हैवी डिस्काउंट इसलिए मिल जाता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होलसेल में लेते हैं अपना सारा प्रोडक्ट, इनके पास होलसेल की पूरी वैरायटी होती है, इसलिए दोस्तों इनको इतना सस्ता पड़ जाता है। 10,000 रुपये का फ़ोन इनको 8,000 रुपये या फिर 8,100 या 8,200 रुपये के आसपास पड़ जाता है दोस्तों, इसलिए अपने कस्टमर्स को 10 से 12% तक का इजीली डिस्काउंट दे पाते हैं। कई बार ये डिस्काउंट दोस्तों 25 से 30% भी बढ़ जाता है, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि इनको आगे से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ये कम मार्जिन पर काम करते हैं दोस्तों फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, जो भी ये डीलर्स हैं जो भी स्टोर चलाते हैं ये बहुत ही कम लिमिटेड मार्जिन पर काम करते हैं, इनके पास स्टॉक्स हैवी स्टॉक्स होता है, इसलिए दोस्तों ये आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो ऑफलाइन मार्केट है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इनके पास इतने खर्चे नहीं होते। अब मान चलिए दोस्तों आप एक दुकान खोलते हैं, आप एक मोबाइल शॉप खोलते हैं, आपसे ऊपर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक होलसेलर होता है, फिर जो है रिटेलर होता है, तो मतलब एक तरह से पूरी चैन सिस्टम बन जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है अलग अलग लोगों को बढ़ जाता है। सबसे पहले दोस्तों जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकलता है तो दोस्तों सबसे पहले वो जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद जाता है दोस्तों पहले होलसेलर के पास, उसके बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद फिर जाता है रिटेलर्स के पास, उसके बाद दोस्तों उससे भी जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी अपनी शॉप है उनके पास जाता है दोस्तों। तो ये जो प्रॉफिट है ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है दोस्तों। पहला तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपना जोड़ लिया प्रॉफिट, उसके बाद जो होलसेलर है उसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, क्योंकि भाई किराया भाड़ा लगाया उसने, उसने भी ट्रांसपोर्टेशन दिए इसके लिए, क्यों नहीं जोड़ेगा, ऊपर से वो काम भी कर रहा है तो उसने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने खर्चे जोड़ लिए, अपने प्रॉफिट जोड़ लिए, उसके बाद आता है रिटेलर्स, रिटेलर्स ने अपने खर्चे और प्रॉफिट जोड़ लिए। अब इसके बाद बचता ही क्या है फिर यार, इसमें यार सारे खर्चे निकालने होते हैं, दुकान का किराया है, और ये दुकान का किराया कोई एक बंदा नहीं निकालता, यहाँ पर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर है, जो रिटेलर है और जो छोटा दुकानदार है, वो सबको दुकान का किराया निकालना है, अपना खुद का खर्चा निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पर इनके बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये आपको डिस्काउंट्स नहीं दे पाते हैं। वहीं पर दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास दोस्तों बहुत सारे ऐसे गोडाउन होते हैं जहाँ पर दोस्तों ये बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखते हैं, इनका एक दिन का काम नहीं दोस्तों, इनका पूरे साल का ही काम है, इनके पास एक गोडाउन होता है उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स मैनेज करके रखते हैं, और इनके पास
मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, अगर इनको यहाँ से प्रॉफिट नहीं मिला है दूसरे प्रोडक्ट में अपना प्रॉफिट जोड़कर उसे अपलोड कर देंगे, उससे प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके बेचते हैं, इसलिए दोस्तों इनके प्रोडक्ट पर दोस्तों हैवी डिस्काउंट मिल जाता है और इनको प्रॉफिट भी हो जाता है। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल पर विश्वास करते हैं, यानी कि इनका मार्जिन बहुत ही कम होता है दोस्तों, और इनके पास सेल ज़्यादा तगड़ी वाली सेल होती है दोस्तों, जिसकी वजह से इनको तगड़ा मुनाफा होता है। यानी सेल्स होती है लाखों में दोस्तों, लाखों यूनिट्स बिक जाती हैं सिर्फ एक दिन के अंदर इनके, और वहीं पर एक दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 फोन ही बेचवाता है, और उससे प्रॉफिट कितना होता है, 400 रुपये प्रॉफिट होता है एक फोन पर। अगर उसने 5 भी बेच दिए तो मुश्किल से 2,000-2,500 रुपये का मापता है। लेकिन वहीं पर ये स्टोर्स जो फ्लिपकार्ट पे जो अमेजोन पे जो स्टोर्स चलते हैं वो डेली के 50-50,000 यूनिट्स बेच देते हैं, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट होता है दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कितना हो जाएगा एक एक दिन का प्रॉफिट, बल्कि इनका मार्जिन भी कम होता है दोस्तों। ये अगर मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, अगर ये 500 से 600 रुपये भी अगर पर यूनिट कमा रहे हैं तो भी दोस्तों इनके लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इनके खर्चे इतने नहीं होते, इनको एक गोडाउन लेना होता है और इनका सारा काम ऑनलाइन है, कोई भी कुछ वैसा खर्चा है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, बिल्कुल लगता है, गोडाउन का खर्चा लगता है भाई, लेकिन वहाँ पर इनके पास मल्टीपल वैराइटीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने की वजह से दोस्तों इनको वो खर्चा मतलब एक तरह से जैसे कि 100 रुपये पे सिर्फ 1 रुपये का खर्चा होता है, यानी 100 रुपये का अगर इन्होंने सामान रखा तो उस पर सिर्फ 1 रुपये का खर्च हो रहा है, 1 रुपया खर्च हो रहा है बस। और वहीं दुकानदार को, दुकानदार अगर 100 रुपये का सामान रखता है तो उसे 10 रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों इसलिए जो छोटा दुकानदार है वो ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे पाता है, क्योंकि दोस्तों उसको भी लिमिटेड ही प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 500-400 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, उसमें भी अगर आपको डिस्काउंट दे देगा तो वो क्या कमाएगा, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरेगा, क्या वो दोस्तों दुकान की रेंट देगा, और क्या वो अपने लिए बचाएगा। तीसरे पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के पास अपना खुद का गोडाउन होता है, इनका खुद का डिलीवरी नेटवर्क होता है, तो दोस्तों इनका जो खर्च है वो बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों इतना, जिससे कि दोस्तों इनको दुकानों की तुलना में अपने सामान को मैनेज करने में, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको मैनेज करने में बहुत कम लागत आती है, और उनको डिलीवर करने में भी बहुत कम खर्च आता है दुकानों की तुलना में। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि चैन सिस्टम यहाँ पे काम करता है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, उसके बाद छोटा दुकानदार, अगर उससे भी नीचे और कोई और दुकानदार होगा तो वो कह नहीं सकते दोस्तों कि आपका जो प्रॉफिट हो कितना कम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से प्रॉफिट डिवाइड होता चला जाता है, इसलिए जो छोटा दुकानदार है वो आपको ऑफर नहीं दे पाता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे दोस्तों, क्योंकि इनके पास खर्चे कम होता है दोस्तों, इनका सारा काम ऑनलाइन पे है दोस्तों, और इनका जो काम इनका दोस्तों ऑनलाइन पे है, इनका खुद का डिलीवरी नेटवर्क है, तो दोस्तों कहने ही क्या, फिर तो सारा कुछ नहीं कहा दोस्तों। ऊपर से दोस्तों ये कम मार्जिन पे काम करते हैं, इनका कोई भी कंपटीटर नहीं हो पाता दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट का कंपटीटर दोस्तों हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इनके पास दोस्तों लाखों प्रोडक्ट, करोड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों जो कि ये डेली अरबों प्रोडक्ट्स सेल कर देते हैं दोस्तों ऑनलाइन, तो दोस्तों इनका तो कोई कंपटीटर हो ही नहीं सकता। ये अगर थोड़ा थोड़ा भी मार्जिन लेते हैं दोस्तों, कम मार्जिन पे भी अगर काम करेंगे दोस्तों, तो भी डेली के 1,000 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, और कमाते भी हैं दोस्तों 1,000 करोड़ रुपये दोस्तों ये डेली कमा लेते हैं कम मार्जिन, कम प्रॉफिट मार्जिन लेकर। और इनका जो कंपटीटर है दोस्तों, कंपटीटर कोई बन ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि कंपटीटर के लाइन में इनके कोई खड़ा ही नहीं होगा दोस्तों। दूसरी ओर वहीं दुकान वाले अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे दोस्तों, तो उनका जो दुकान है वो बुरी तरह से जो है बंद हो जाएगी और उनकी दुकान कभी चल नहीं पाएगी दोस्तों, इसलिए वो अपना प्रॉफिट कभी भी डिस्काउंट्स में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर वो डिस्काउंट्स में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, तो उनकी दुकान 10 से 15 दिन भी नहीं चल पाएगी दोस्तों, अगर वो अगर डिस्काउंट्स ऑफर करने लग गए तो। वो कभी दोस्तों ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफर नहीं कर सकते, हाँ अगर उनके बस में होता तो 100-200 रुपये तक का ही डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का डिस्काउंट्स नहीं दे सकते। कई दुकानदार ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि होलसेल में एयरफोन्स, एयरपोर्ट्स और ऐसे कई सारे जो आइटम्स होते हैं, छोटे छोटे आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उनको जो है उपहार में देते हैं दोस्तों, जिससे कि उनका जो कॉस्ट दोस्तों बहुत कम हो जाए, 20 से 30 रुपए 40 रुपए के प्रोडक्ट्स आए, एयरपोर्ट्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, ये सब देकर दोस्तों अपने कस्टमर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो ना कटने पाए। इसकी वजह से दोस्तों छोटे छोटे प्रोडक्ट अपने पास पहले से रखते हैं, कोई छोटा स्पीकर हो गया, कोई छोटा माइक हो गया, JBL का माइक होता है दोस्तों 20 से 25 रुपए 30 रुपए में आता है, जो कि डुप्लीकेट होता है, वो भी वो अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो अपने कस्टमर को एक उपहार देकर उन्हें खुश कर सकें, उनके साथ एक अटैचमेंट बैठा सकें, इसलिए दोस्तों वो ऑनलाइन से कंपटीशन नहीं कर पाते दोस्तों, और वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को पूरा पूरा लेते हैं दोस्तों दुकानदार। देखो दोस्तों दुकान में खर्च होता है, दुकान में दोस्तों मोबाइल फ़ोन को लाने ले जाने का खर्च होता है डेली दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, ऊपर से दुकान का किराया, ऊपर से दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको एक दुकानदार को निकालना होता है, जिसकी वजह से दोस्तों एक दुकानदार अपना प्रॉफिट अगर नहीं निकाल पाता दोस्तों, तो उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है दोस्तों आने वाले टाइम में। इसलिए दोस्तों कोई भी दुकानदार अमेजोन और फ्लिपकार्ट जितना डिस्काउंट कभी भी अपने कस्टमर्स को नहीं दे पाएगा। हाँ 10-5 रुपये 20 रुपये 25 रुपये की छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जरूर दे देते दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट वाले इतना हैवी डिस्काउंट्स आपको क्यों ऑफर कर देते हैं, और क्यों आपको इतने कम दाम पे अपना प्रोडक्ट, अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन वगैरह आपको बेच देते हैं। आपको वहाँ पर हैवी डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों दुकान की तुलना में, यानी शॉप की तुलना में आपको इतना हैवी डिस्काउंट क्यों मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।